नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंकज है और आप लोग का मेरे चैनल बेसिक्स विद पंकज पे स्वागत है। बीपीएससी ट्री 2.0 की वैकेंसी जारी हो चुकी है। कंप्यूटर साइंस में टोटल 172 वैकेंसी है अभी तक। इसमें कुछ वैकेंसीज ऐड होंगी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मैं बहुत पहले ये बात बोल चुका था कि कितनी वैकेंसी ऐड होंगी। जितना बताया था उससे ज़्यादा ही ऐड होने वाली है, जहाँ तक अभी सूचना मिल रही है, और होनी भी चाहिए। चेयरमैन सर ने भी बोला है कि जो भी सीटें बच जाएंगी उनको वो ऐड करेंगे। ओके, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि इस बार का जो पेपर होगा 2.5 घंटे का होगा, एक ही पेपर होगा, इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे। 150 में 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, जिस सब्जेक्ट से आप लोग पेपर देंगे। 40 क्वेश्चन जो होंगे GK GS से रहेंगे, ठीक है, इसमें कुछ रीजनिंग और मैथ्स के सवाल ऐड ऑन कर सकता है BPSC। और 30 क्वेश्चन जो है आपका भाषा से, यानी लैंग्वेज का पेपर रहेगा, भाषा का पेपर रहेगा। इसमें 8 से 9 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे और 21 से 22 क्वेश्चन लैंग्वेज से रहेंगे, मतलब हिंदी से रहेंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको स्कोर कितना करना है, 9 नंबर लाने हैं इसमें, क्वालिफाइंग 9 नंबर लाने हैं, सॉरी मैंने 21 बोल दिया, 9 नंबर लाने हैं लैंग्वेज के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। दूसरा कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप एप्लीकेशन को जब आप फिलअप करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि रजिस्ट्रेशन करने के दौरान जो भी आप डेटा दें वो आप पेमेंट करने से पहले उस डेटा को एडिट कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, यूजर नेम जनरेट हो गया, आपको लॉगिन आईडी मिल गई, पासवर्ड मिल गया, और आप अपने डैशबोर्ड पे जाके ऑनलाइन पेमेंट के टैब पे जाके पेमेंट कर दिए, तो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो डेटा फीड किया है वो एडिट नहीं हो पाएगा आगे, ऐसा चेयरमैन सर ने कहा है। ओके, जब आप पेमेंट कर लेंगे उसके बाद फिर आप यूजर नेम पासवर्ड से डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे और वहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद उसको डाउनलोड करेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय या रजिस्ट्रेशन के समय, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों को भरते समय आप जो है डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है वो अपलोड करेंगे 100 KB के अंदर, और वो स्कैंड होगा और PDF फॉर्मेट में होगा। सिग्नेचर भी 15 KB के अंदर होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में या JPEG फॉर्मेट में। ओके, मुख्य बातें यही हैं। उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन, डिटेल्ड एप्लीकेशन है उसको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसमें आप तीन चीज़ों का मुख्यतः मिलान करेंगे, ठीक है, कि जो भी हार्ड कॉपी है ना उसमें बारकोड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म नंबर होना चाहिए। बारकोड होना चाहिए जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए उसमें और एप्लीकेशन फॉर्म नंबर होना चाहिए। तीनों में से कोई भी एक मिसिंग है ना तो आपका जो फॉर्म भरा गया है वो अधूरा माना जाएगा, ठीक है। और भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट के पूर्व जब फाइनल सबमिट करेंगे उससे पूर्व आप सुनिश्चित कर लेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट या PDF आपने अपलोड किया है उसको व्यू पे जाके क्लिक करके ये देख लेंगे कि जो भी अर्हता है या शर्तें हैं उसके अनुसार आपने उसको उस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को डाला है कि नहीं डाला है, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्कैंड कॉपी डालेंगे PDF फॉर्मेट में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का, वो 100 KB का होगा आपके पास वैलिड। हाँ, एक चीज़ और, वैलिड और वर्किंग ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूँ, वैलिड वर्किंग ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए आपका। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का मैक्स साइज होगा 100 KB का होगा, स्कैंड कॉपी होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और हाँ, जिस डेस्कटॉप और लैपटॉप से आप फॉर्म भर रहे हैं उसका वेबकैम क्वालिटी वाला होना चाहिए। और जब आप वेबकैम से आप फोटो लेंगे ना फॉर्म भरने के दौरान तो वो बैकग्राउंड में सफ़ेद या हल्का कलर होना चाहिए,
और उस रूम में सफिशियंट लाइट होनी चाहिए। और सिग्नेचर को बताया ही मैंने कि जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होगा और उसकी साइज होगी 15 KB होगी मैक्स, इससे कमी का होना चाहिए। डायमेंशन 220x100 पिक्सल का हो सकता है। बाकी सेम वही सब प्रोसेस है, ठीक है। तो और तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे बतानी थी, बता दिया। अब आते हैं हम लोग पीजीटी कंप्यूटर साइंस के वैकेंसी पे। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी है टोटल अभी तक 172 है, 7300 प्लस रिजल्ट आया है। बीपीएससी ट्री 1.0 में, ठीक है। इसमें भी करीब करीब मुझे लग रहा है कि लगभग 800 प्लस लोग जो है ना छटेंगे, जैसा कि मुजफ्फरपुर से न्यूज आ रहा है, औरंगाबाद से न्यूज आ रहा है, उसके बाद गया से न्यूज आ रहा है। तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं ना जो कि पूरी तरह से जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो उपलब्ध नहीं करा सके शिक्षा विभाग को, इस कारण से उनका कैंडिडेचर जो है ना उनका कैंसिल हो रहा है। तो मुझे लगता है ये 6500 मैक्स आई एम टेलिंग हियर मैक्स, नॉट बियॉन्ड दैट, इससे कम ही लोगों का सिलेक्शन होगा पीजीटी कंप्यूटर साइंस में। ओके, अब इसमें कितने जो लोग हैं वो अगर दूसरा मेरिट लिस्ट और तीसरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर रहा है तो कितने लोग जा रहे हैं वो देखना होगा। फिर भी मुझे लगता है कि इन 7300 प्लस सीटें आई हैं इसमें भी 500 सीटें 600 सीटें बच जाएंगी हम लोगों के लिए, मतलब बीपीएससी ट्री 2.0 के लिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस में। ओके, तो जो टोटल सीटें होने वाली हैं वो लगभग मुझे लग रहा है कि 1500-1600 के अप्रॉक्स होने वाली है, 1600 के प्लस सीटें होने वाली हैं, 1500 तो एनी हाउ रहने वाली है। अब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हो सकता है कम हो जाए, मैं गलत हो जाऊं, मैं एक एनालिसिस और थोड़ा बहुत जो भी इधर उधर से न्यूज़ मिल रहा है मैं उसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। आपको तैयारी 172 सीट पे ही करनी है जब तक ऑफिशियली कुछ आ नहीं जाता। वैसे चेयरमैन सर ने बोला है कि जो भी सीटें भरी नहीं गई हैं वो टीचर 2.0 में ऐड होंगी, तो ऐसे तो उन्होंने बोला है नहीं, ऐड तो होनी है और मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी मैं प्रिकॉशन ले रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि शायद ऐड ना हो तो आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि हमने गलत बोल दिया। उस हिसाब से एक चीज़ और चेयरमैन सर ने बोला कि क्वेश्चन का जो लेबल होगा ना इस बार वो थोड़ा इंक्रीज करेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है अगर सेम लेबल रखें क्वेश्चन का, जैसा कि ट्री 1.0 में रखें तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो भी कट ऑफ है वो 172 सीट पे तो 75 प्लस यूआर के लिए तो जाएगा ही जाएगा। तो आपके लिए आपको तो एनी हाउ 75 प्लस के लिए ही तैयारी करनी है। ओके, बाकी कैटेगरी में उसी तरह से कम हो जाएगा, बीपीएससी ट्री 1.0 का आप कट ऑफ निकाल के वहाँ से कंपैरिजन कर लेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर 1500 प्लस सीटें आ जाती हैं या 1500 के अप्रॉक्स रहती है देन कट ऑफ विल गो फॉर यू आर मेल 68 to 70। क्योंकि क्या है ना दोस्तों, मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कुछ डेटाज हैं, जैसे 67 प्रीलिम्स में ही, बीपीएससी प्रीलिम्स में ही आप जाओगे तो 3 नंबर पे लगभग अगर 10,000 कैंडिडेट क्वालिफाइड थे ना तो 3 नंबर पे, मतलब अगर 113 कट ऑफ था ना तो 113, 114 और 115 पे आधे लोग थे, मतलब 5,000 लोग थे। तो उस तरह से आकलन किया जाए तो नीचे एक मास चंक होता है, मतलब जितना नीचे कट ऑफ जाता है ना मास चंक होता है उस पर, उस हिसाब से 68 to 70 जो है ना कट ऑफ इनफ है। थोड़ा सा और कंजर्वेटिव हो जाते हैं, 70 प्लस स्कोर करेंगे तो यू आर मेल में आप सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। उसी तरह से सारे कैटेगरी में ये कर लेंगे, लेकिन अगर 172 है तो कट ऑफ 75 प्लस जाएगा, 80 के आसपास रहेगा। क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाए, क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ने का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस क्लोज हो जाएंगे, अनकन्वेंशनल चीज़ें पूछ लेंगे, यही होगा ना। तो कट अप डाउन जाएगा तो सबके लिए पेपर टफ होगा, तो सबके लिए पेपर डाउन जाएगा, तो एक एक
कुछ रहना चाहिए ना जिस पर हम लोग एनालिसिस कर सके। तो हम लोग के पास एक लास्ट ईयर का पेपर है, उस पर अगर एनालिसिस करें तो 70 का अप्रोक्स आप लोग कोशिश कीजिएगा कि भी टेस्ट पेपर वगैरह कहीं लगाएं तो आप लोग वहाँ से स्कोर करने का प्रयास करें। वैसे सीट जो है 1500 के करीब होने वाली है, एक गुड न्यूज़ है जिसको हम लोग थोड़ा पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। जो फॉर्म नहीं भरना चाह रहे हैं, जिनको लग रहा है कि 72 के आसपास जो भी सीटें हैं इसके कारण हम फॉर्म ना भरे, नहीं, यू शुड बी क्वाइट होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक रहना है और आपको फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है। तो इतना ही कहना था, धन्यवाद। थोड़ा सा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें आप लोग, अच्छा लगता है। धन्यवाद।